बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे वो बाबा जी याद आ गए, आज मुझे वो बाबा जी याद आ गए जिन्होंने मेरा हाथ देख के बोला था, बेटा तुम आने वाले समय में घर में बैठे बैठे खाओगे। जी जी जी, हम बैठे बैठे बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का। अच्छा, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन हम आप लोगों को बता दें, लॉकडाउन चल रहा है हम आप लोगों को बता दें, पहले आप फिर कहोगे कि बताए नहीं हो, हम आपको बता दें कि चारों धाम बंद हैं। हाँ हाँ, चारों धाम बंद हैं, शिव मुक्ति धाम खुला है, इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन का पालन करें। अच्छा, रामायण में हम लोगों ने देखा, रामायण में हम लोगों ने देखा कि नक्कटी सुरपंखा आकाश में उड़ती थी, श्रीलंका से भारत आ जाती थी आकाश में उड़ते उड़ते हुए, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं पापा की परी हूँ। हाँ, नक्कटी सुरपंखा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं पापा की परी हूँ जो आकाश में उड़ती थी। और हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो स्कूटी चलाते वक्त ब्रेक नहीं, पाँव फैला देती हैं, स्कूटी को पाँव से रोकती बोलती हैं, तुम जानती हो मैं पापा की परी हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, इस समय रामायण चल रहा है, चारों तरफ रामायण ही रामायण है, तो मैं मम्मी और पापा के साथ बैठ के रामायण देख रहा था। जैसे सुरपंखा दिखी मैंने पापा से पूछा, पापा ये कौन है? पापा ने कहा, अरे तुम्हारी मौसी है। मम्मी ने फिर हमको देख के बोला, अरे नहीं बेटा तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बुआ है। पापा ने फिर बोला, नहीं रे तेरी मौसी है। मम्मी ने कहा, अरे तेरी बुआ है। फिर क्या, रामायण खत्म, महाभारत शुरू। रामायण का इतना तेज प्रभाव पड़ा, इतना तेज प्रभाव पड़ा कि आप लोगों ने रामायण देखा। मेरी वाली पहले मुझे सोना बाबू कहने के लिए रामायण देखते हुए स्वरूप कुत्ता कमीना बोला करती थी। मेरी वाली पहले सोना बाबू गाली देने के स्वरूप कुत्ता कमीना गधा बोला करती थी। रामायण देखने के बाद, दुष्ट पापी निर्लज्ज हरामखोर निर्लज्ज पापी दुराचारी। रामायण, जी जी, रामायण का स्कोप चल रहा है चारों तरफ। अच्छा सर, रामायण, रामायण मैं आपको बता दूँ, रामायण से हमें एक सीख मिलती है। आप लोगों ने देखा कि जब तक कुंभकर्ण घर पे था सुरक्षित था, मस्त खाता था पीता था, बड़े ऐसों के साथ घर पे रहता था, जब तक कुंभकर्ण घर पे था तो सुरक्षित था, स्वस्थ था, जीवित था। जैसे लॉकडाउन तोड़ के बाहर आया, नुपुर गया। तो आप लोगों को भी यही करना है, अगर आपको सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो आप लोगों को भी घर पे रहना है।